सबने डोरेमोन कार्टून तो देखा ही होगा, तो इसमें ये डग जादुई बाबा को आपने शायद नहीं देखा होगा। और ये डोरेमोन का क्या लगता है आपको नहीं पता होगा। आज हम ऐसे ही कई मिस्ट्री कैरेक्टर के बारे में जानेंगे, तो बने रहना वीडियो के एंड तक। नंबर वन गाइस, अगर आप डोरेमोन के फैन होंगे तो भी आपको बस डोरेमोन और डोरेमी के ही बारे में पता होगा, जो कि फ्यूचर से आए हैं। पर गाइस ये दोनों रोबोट्स इंसानों की हेल्प करने के लिए बनाए गए थे, तो जाहिर सी बात है ऐसे और भी रोबोट्स होंगे। और गाइस एक्चुअल में ऐसे है भी, जो कि डोरेमोन में दिखाए भी गए हैं। और उस कैरेक्टर का नाम है डोरा पेन, जिसे कहीं कहीं डोरा पिन भी कहा जाता है। उसे 1997 की एक शॉर्ट फिल्म में दिखाया गया था। गाइस ये बिल्कुल ही डोरेमोन जैसा दिखता है, बस ये पर्पल कलर का है। और इसकी पर्सनालिटी एक जेंटलमैन जैसी है। इसे भी डोरा केक्स बहुत पसंद है, पर ये माउस की जगह डॉग से डरता है। डोरेमोन की ही तरह इसके पास भी 40 पॉकेट है, और ये भी एक अच्छा रोबोट है। पर डोरेमोन में मिलने से पहले इसे तो मिस्टीरियस थीफ कहा जाता था, क्योंकि गाइस ये रॉबिन हुड की ही तरह चोरी करके उसे अच्छे कामों के लिए यूज करता था। आप इसके बारे में शायद ही जानते होंगे, क्योंकि ये कैरेक्टर बस एक शॉर्ट मूवी में दिखा है। एंड अनफॉर्चुनेटली ये मूवी अब तक हिंदी में डब भी नहीं की गई है, बट हाँ आप इसे हिंदी सबटाइटल में यूट्यूब पर देख सकते हैं। नंबर टू गाइस, अब मैं जिनकी बात करने वाली हूँ वो कोई कार्टून कैरेक्टर तो नहीं है, बट हाँ आपके फेवरेट कार्टून कैरेक्टर के क्रिएटर जरूर है। सिंचन को क्रिएट किया था यूसे तो उसे ही ने, और उनका फ्रेंड का कहना है कि यूसे तो काफी कम बात किया करते थे और अलग अलग जगह से अपने काम के लिए आइडियाज भी लेते रहते थे। और गाइस वो रियल लाइफ में भी काफी कॉमेडी करने वाले इंसान थे, बट पिछले कुछ दो सालों से यूसे तो पूरे चेंज हो गए थे। उनके फ्रेंड का कहना है कि पहले वो बहुत ही खुश रहा करते थे और उनके अंदर आइडियाज कभी खत्म नहीं होते थे, बट पिछले दो सालों से वो डिप्रेशन में रहते थे। और वो उनके एनिमे में भी दिखता था। क्रियोन सिंचन के लास्ट एपिसोड काफी सीरियस टोन में हुआ करते थे, और उसमें अक्सर टेलीविजन अल्कोहल एंड डेथ विशेष जैसी चीजें दिखाई जाती थी। और फिर यूसे तो एक दिन गायब हो गए, और फिर 3 वीक्स के बाद उनकी डेथ बॉडी एक पहाड़ के नीचे से मिली। लोग मानते हैं कि जरूर उनका पैर फिसला होगा, पर गाइस उनके क्लोज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स का ये मानना है कि उन्होंने डिप्रेशन की वजह से जानबूझकर सुसाइड किया है। पर यह रीजन कोई नहीं जानता कि पिछले कुछ वक्त से उनके साथ क्या हो रहा था और उन्होंने ऐसा कदम क्यों उठाया। नंबर 3 गाइस, अगर मिस्टीरियस कैरेक्टर की बात चली रही है तो हम इसे कैसे भूल सकते हैं। ये भी डोरेमोन की एक मूवी का कैरेक्टर है, जिस मूवी का नाम है हरा हरा प्लेनेट। गाइस इस कैरेक्टर का नाम है एल्डर ट्री। ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है, पर ये कहाँ से आया है ये कोई भी नहीं जानता। मूवी में भी ये एक मिस्ट्री है कि ये कैरेक्टर आया कहाँ से है। गाइस ये जहाँ रहता है वहाँ के लोगों को भी कि आखिर ये एल्डर ट्री आया कहाँ से है। इसकी हाइट काफी हद तक डोरेमोन जैसी है, इसीलिए बहुत से लोगों का ये मानना है कि ये डोरेमोन ही है जिसने टाइम ट्रैवल किया है। पर गाइस ये बस थियरी है, असलियत में ये कौन है ये आज भी किसी को नहीं पता, और गाइस शायद ही हम इसके बारे में कभी जान पाए। नंबर 4 गाइस, अभी मैं जिस कैरेक्टर की बात करने वाली हूँ वो डोरेमोन के एनिमे में आया है, पर फिर भी आप उसे 99% नहीं जानते होंगे। ये कैरेक्टर है गेट चाकू। ये भी डोरेमोन की ही तरह 21st सेंचुरी से आई एक रोबोट होती है, पर ये थोड़ी अननोइंग रोबोट होती है। इसका बस एक ही काम होता है, डोरेमोन को परेशान करना। गाइस ये बहुत ही स्मार्ट होती है, और ये कैरेक्टर हमें पहली बार 1973 के डोरेमोन एनिमे में दिखी थी। आपको यकीन नहीं होगा, पर उस टाइम में लोग डोरेमोन एनिमे को बहुत ही हेट किया करते थे, क्योंकि 1973 का डोरेमोन आज के डोरेमोन से बहुत ही ज्यादा अलग था। रेफरेंस के तौर पर बताऊँ तो इवन उस एनिमे में नोबिता आज के जियान से भी ज्यादा बदतमीज और बदमाश था। अननोइंग होने के कारण ये भी बेकार कैरेक्टर्स में से एक था। ये इतनी ज्यादा अननोइंग थी कि लिटरली इसे लोग हेट किया करते थे, और इसीलिए पुराने डोरेमोन में भी ये 5 एपिसोड के लिए दिखी थी, जिसके बाद इसको रिप्लेस करके डोरेमी को लाया गया। गाइस आज का वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।